हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल पीटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी मोनेटाइजेशन ऑन है। तो अगर ऑन नहीं है तभी आप देखिए, सपोज डेट लाइफ में आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होगी यूट्यूब की तो आपको लॉस ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लास्ट ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मोनेटाइजेशन ऑन होना इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद भी होने के बाद भी कितने लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो पाता है, अंडर रिव्यू में रहता है बहुत टाइम तक होता है, तो कुछ टाइम बाद भी डिसेबल हो सकती है मोनेटाइजेशन। तो फ्रेंड, इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं मोनेटाइजेशन रिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जैसे कि मैं आप सभी को पता होगा कुछ यूट्यूबर अपना री यूज़ कंटेंट अपलोड करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ री यूज़ कंटेंट क्या होता है। जैसे कि आपने कोई वीडियो अपलोड कर दी आज, ठीक है फ्रेंड, आज आपने वाली वीडियो अपलोड कर दी, उसके एक वीक बाद या दो वीक बाद या फिर महीने बाद आपने वही वीडियो फिर से अपने बैकअप में रखी, उसको फिर अपलोड कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, उसके कारण से आपका चैनल मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकती है। तो ठीक है फ्रेंड, दूसरी कंडीशन है जैसे कि आपने थंबनेल, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने थंबनेल सही से नहीं बना रखी है तभी भी आपके चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकती है, आपको थंबनेल सही से बनानी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो देखी, उसमें लिखा था कुछ और मोनेटाइजेशन में उसकी मोनेटाइजेशन में लिखा था कुछ और मैंने वीडियो देखी तो उसमें निकला कुछ और, ठीक है फ्रेंड, इसी कारण से आपकी चैनल मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकती है। आपको ये चीज़ों को ध्यान जरूर रखना होगा, ठीक है फ्रेंड, अगर आपने ध्यान नहीं रखा है तो आपके चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी और वो बाद में इनेबल होने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप किसी का गाना वाना कॉपी ना करें, गाना वाना कॉपी करने से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप अपना खुद का कंटेंट बनाएं। जैसे कि मैं अपना कंटेंट खुद बनाता हूँ और इसमें ना ही कोई म्यूज़िक यूज़ करता हूँ मैं, ना ही कुछ यूज़ करता हूँ, थंबनेल में मैं अपनी खुद बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मोनेटाइजेशन डिसेबल ना हो। वैसे मेरी मोनेटाइजेशन अभी ऑन नहीं हुई है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस से डिसेबल हो जाती है क्योंकि मेरी एक बार हुई थी पहले दर चैनल पर, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सबकी मोनेटाइजेशन डिसेबल ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।